स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल। नाउ इससे पहले अपन ने इसी सब डिवीजन की एक कवक का और लाइफ साइकिल पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो था एस्परजिलस की लाइफ साइकिल। और उसी सब डिवीजन की यानी कि एस्कोमाइकोटिना का ही जो दूसरा सदस्य है हमारे कोर्स के अंदर वो है पेनिसिलियम। तो इसकी लाइफ साइकिल को अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की। जैसे अभी अपन ने बताया कि ये कौन से सब डिवीजन का है, एस्कोमाइकोटिना सब डिवीजन का सदस्य है। और इसका जो डिवीजन है वो है माइकोटा या यू माइकोटा की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि एक सत्तीय कवक है। साथ में इसकी जो क्लास की बात की थी वो क्लास कौन सी है, इसकी प्लेक्टोमाइसिटीज क्लास है। देन इसका जो गण है या ऑर्डर है वो यूरोसियल से फैमिली यूरोसियसी, और जीनस जो है वो जीनस है इसका पेनिसिलियम जीनस की बात कर रहे हैं। तो इसकी अपन लाइफ साइकिल अपन देखेंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बिल्कुल एस्परजिलस के जैसी ही, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है अपना एस्परजिलस की लाइफ साइकिल, तो काफ़ी हद तक उसमें अपन ने डिटेल में बता रखा है, उसकी बेसिक्स बता रखी है। तो यहाँ भी कोशिश करेंगे अपन थोड़ा बहुत इसकी डिटेल बताएँ, बेसिक्स बताएँ। अदरवाइज इसकी मेनली क्या है, छोटी सी लाइफ साइकिल है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकरेंस की या प्राप्ति स्थान की, कि किस जगह पर यह मिलता है। जैसे अदर सेप्रोफिटिक फंजाई की बात करें, जैसे एस्परजिलस थी, राइजोपस्ता, वैसे ये भी कैसी है, एक सेप्रोफिटिक फंजाई है, मृतोपजीवी फंजाई है, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगती है या उनके ऊपर ग्रो होती है। और इसी कारण से ये कॉस्मोपोलाइटन है। कॉस्मोपोलाइटन का मतलब पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर सभी जगह पर ये पाई जाती है, एक्सेप्ट वोल्केनिक ऐश या ज्वालामुखी जो राख है उनके अलावा ये पृथ्वी की सभी जगहों पर पाई जाती है। और जहाँ कहीं पर भी सड़े हुए लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे हैं या लकड़ी है या अपन और कोई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल देखते हैं, वहाँ पर ये ग्रो करती है। घरों के अंदर भी अपन देखते हैं कि ये सामान्यतः जो अचार मुरब्बा जो भी डालते हैं अपन, उसके ऊपर भी ये ग्रो होती है। या घरों के अंदर जो चमड़े का सामान अगर काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, नम है, सड़ रहा है, तो उसके ऊपर भी ये आसानी से ग्रो होती है। इसकी जो कॉमन नाम है इसको भी अपन देखते हैं एस्परजिलस की तरह ब्लू मोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसकी भी कुछ स्पीसीज जो हैं वो उसकी कॉलोनी कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की या नीले हरे रंग की दिखाई देती है। इसलिए इनको भी अपन क्या बोलते हैं, ब्लू मोल्ड ही बोलते हैं, कॉमन नेम जो इनका है। इसकी काफ़ी सारी स्पीसीज जो है पूरे विश्व में पाई जाती है, जिसमें से कुछ कॉमन स्पीसीज जो है वो भारतवर्ष के अंदर पाई जाती है। जैसे डाइवेरिकेटम, पेनिसिलियम डाइवेरिकेटम है, पेनिसिलियम एक्सपेंसम है, डिजिटेटम है, नोटेटम है, क्राइसोजिनम है, रॉकफोर्टाई है, कैम्बम बर्टाई है, ये कुछ स्पीसीज जो है वो भारत के अंदर कॉमन है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो रॉकफोर्टाई और कैम्बम बर्टाई है, इससे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपन देखते हैं कि विशेष प्रकार का पनीर, जो पनीर है उसके अंदर एक फ्लेवर उत्पन्न किया जाता है, जिसको रॉकफोर्टाई पनीर भी बोलते हैं या कैम्बर्टाई पनीर भी बोलते हैं, जो व्यापारिक महत्व का है, काफ़ी कॉस्टली आता है, व्यापारिक महत्व का है। तो इस स्पीसीज के द्वारा पेनिसिलियम की उसके अंदर एक विशेष प्रकार का फ्लेवर भी उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और ये स्पीसीज जो है, इस स्पीसीज की अभी अपन ने बताया कैसी है, कॉस्मोपोलाइटन, यानी कि पूरे विश्व में सभी जगह पर पाई जाती है मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर। ना थैलस की बात करते हैं, इसका थैलस कैसा है या इसका माइसिलियम कैसा है। जैसे अपन ने बताया था कि इससे पहले अपन ने जितने भी पढ़े थे एस्परजिलस को छोड़कर, जितने भी पढ़े थे, जैसे राइजोपस पढ़ा अपन ने, ठीक है, एल्बुगो पढ़ा या पाइथियम पढ़ा, वो कैसा था उसका माइसिलियम, बिना पट युक्त था, उसका कवक जाल कैसा था उन सब का, जिसके अंदर सेप्टा नहीं थे। लेकिन एस्कोमाइकोटिना के दोनों सदस्य, एक पहले अपन ने पढ़ा एस्परजिलस पढ़ा और दूसरा ये पढ़ रहे हैं, दोनों का ही कवक जाल कैसा होता है, सेप्टा युक्त, यानी पट युक्त कवक जाल है और अत्यंत शाखित होता है, कई सारी ब्रांचेज इसके अंदर निकली हुई होती है। और ये सबस्ट्रेट के ऊपर, आधार के ऊपर, जिस जगह पर ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं उसके ऊपर एक जाल रूपी संरचना बनाते हैं, जिसमें मैक्सिमम इसके जो कवक तंतु है वो ऊपर की तरफ एक लेयर बनाते हैं, लेकिन कुछ तंतु जो हैं उस सबस्ट्रेट के अंदर की तरफ घुसकर वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं।
ठीक है। और एक स्टेज के बाद में इसके अंदर क्या होता है, कुछ तंतु ऊपर की तरफ निकलते हैं और इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा इसकी जो अगर एक सिंगल सेल को देखें तो इसकी कोशिकाएं जो है वो कैसी दिखाई देती है, मल्टी न्यूक्लिएट या सिंगल न्यूक्लिएट, यानी एक केंद्र की या बहु केंद्र की कोशिकाएं दिखाई दे सकती है। इसकी अब तक जितनी भी स्पीसीज खोजी गई हैं वो सारी कैसी हैं, होमोथैलिक प्रकार की स्पीसीज ही है, यानी कि एक ही थैलस के अंदर या एक ही कवक जाल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट बनते हैं। जबकि अगर अपन एस्परजिलस की बात की थी पहले वाले वीडियो में, तो उसमें अपन ने देखा था कि उसके अंदर दोनों प्रकार की स्पीसीज मिलती है। हालांकि रिसेंटली इसके अंदर अपन देखते हैं कि कुछ हेट्रोथैलिक स्पीसीज की खोज भी की गई है। नाउ अपन बात करते हैं कि इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होगी, चूँकि यू मकोटा का सदस्य है, सत्य कवक है, यूकैरियोटिक कवक है, एक कोशिकाएं कैसी होगी, इसकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यानी कि सभी प्रकार के कोशिकांग इसके अंदर मिलते हैं, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा कला, राइबोसोम, न्यूक्लियर राइबोसोम से ईआर है, गोल्जी बॉडीज है, पेरोक्सिसोम है, डिक्टियोसोम है, ये सभी प्रकार के कोशिकांग अपन को इसमें दिखाई देते हैं, यानी कि एक यूकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए सभी सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देती है। नाउ अल्टीमेटली अपन बात करते हैं, चूंकि लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल के अंदर मेनली क्या पढ़ते हैं अपन, रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ भी अपन देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन कैसा है। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कॉमन रिप्रोडक्शन जो है वो तो एक तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोमाइकोटिना के जो सदस्य हैं, कुछ ये जो सदस्य हैं जैसे पेनिसिलियम एस्परजिलस, इन दोनों के अंदर ही रिडक्शन मिलता है, यानी कि बहुत कॉमन नहीं मिलता, बहुत आसानी से इसके अंदर अपन को दिखाई नहीं देता, या सभी स्पीसीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को की खोज नहीं की गई है या उनके बारे में अध्ययन नहीं किया गया है, केवल कुछ स्पीसीज जो है उन्हीं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन, या अपन देखते हैं कि इसका थैलस अगर किसी भी कारण से टूटता है, माइसीलियम किसी भी कारण से टूटता है, चाहे बायोलॉजिकल फोर्स से चाहे फिजिकल फोर्स से, तो ये जो माइसीलियम या कवक तंतु है वो डेवलप होकर नया कवक जाल बना लेते हैं, कई सारे नए कवक तंतु बना लेते हैं, वो क्या कहलाएगा इसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो विखंडन है वो कैसा होगा, विखंडीकरण, अगर तंतु टूटते हैं और ये तंतु वापस डेवलप होकर नए माइसीलियम का निर्माण कर लेते हैं, तो ये तो कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि बहुत कॉमन है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर जो भी कंडीशन है, जो सब्सट्रेट है आधार पर ऑर्गेनिक मटेरियल सफिशिएंट मात्रा में इनको मिल रहा है, कंडीशन फेवरेबल है, एनवायरनमेंट इनके लिए फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिल रहा है इनको, साथ में जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में और ह्यूमिडिटी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में ऑप्टिमम कंडीशन होगी इनके लिए और ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके द्वारा होगा, कोनिडियम के द्वारा होगा। ये जो कोनिडियम है अब ये बनती किसके ऊपर है, वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर कवक के अंदर अपन देखते हैं कि कोनिडियोफोर जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का होगा, जैसे अगर अपन ने बात की थी एल्बिगो का, उसका कोनिडियोफोर डिफरेंट प्रकार का था, देन एस्परजिलस की बात की उसका कोनिडियोफोर डिफरेंट प्रकार का था, राइजोपस की बात की उसका डिफरेंट प्रकार का था, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं इसका कोनिडियोफोर जिसके ऊपर कोनिडियम बनेगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट प्रकार की होगी, और इस कोनिडियोफोर की स्ट्रक्चर के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया है, पेनिसिलियम रखा गया है। क्यों, क्योंकि ये जो कोनिडियम कोनिडियोफोर है या पूरी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोनिडियम लगती है वो ऐसी लगती है कैसे, आर्टिस्ट के ब्रश की तरह, और फ्रेंच भाषा में आर्टिस्ट का जो ब्रश है उसको बने पेनिसिलस जो है उस वर्ड से बना, जिसका मतलब भी क्या होता है, आर्टिस्ट का ब्रश जो पेंटिंग करते हैं उसके जैसे ब्रश जैसा दिखाई देता है, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया है, पेनिसिलियम रखा गया है। तो पहले अपन देखते हैं कि ये जो कोनिडियोफोर है इस कोनिडियोफोर का विकास कैसे होगा या इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी अपन ने बताया कि इसका जो माइसीलियम है वो सब्सट्रेट के ऊपर कैसा होता है, एक आड़े तिरछे जाल की तरह बना हुआ होता है, देन एक नेक्स्ट स्टेज के अंदर जब ये अच्छी खासी ग्रोथ कर लेता है उसके बाद अपन देखते हैं कि माइसीलियम के किसी हिस्से से कुछ तंतु ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, एस्परजिलस में अपन ने बात की थी कि एक कोशिका माइसीलियम की कुछ कोशिकाएं जो होती है वो बड़ी हो जाती है, भोजन का संचय करती है, अलग मात्रा अलग दिखाई देने लगती है और वो फुट सेल कहलाती है,
लेकिन पेनिसिलियम में अपन देखते हैं कि फूड सेल नहीं बनती है, सीधे ही माइसिलियम की कुछ कोशिकाएं जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करके किसका बनाती क्या निर्माण करती है, एक वर्टिकल फिलामेंट का निर्माण करती है, ऊर्ध्व तंतु का निर्माण करती है। और ये ऊर्ध्व तंतु भी कैसा होता है, सेप्टेट होता है, यानी कि इसकी कोशिकाएं बीच में कैसी होती है, सेप्टा से या जो पट है उनके द्वारा सेपरेट रहती है। इन पट के अंदर भी अपन देखते हैं कि सेंट्रल पोर होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे सारी कोशिकाओं का जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे के संपर्क में रहता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि ऊर्ध्व तंतु जो है, इस ऊर्ध्व तंतु को ही अपन क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर बोलेंगे। पहले भी अपन बता चुके हैं कई सारे वीडियो के अंदर कि फोर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या है, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, एक खड़ी स्ट्रक्चर या ऊर्ध्व स्ट्रक्चर, और जो संरचना उसके ऊपर बनती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। अगर स्पोरेंजियम बनी तो स्पोरेंजियोफोर होता है, यहाँ कोनिडियम बनी तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कोनिडियोफोर बोलेंगे। ये कोनिडियोफोर जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, अत्यधिक ब्रांच्ड होता है, और इसके जो सबसे पहली ब्रांच होती है उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, रैमस, और सिंगुलर को अपन क्या बोलेंगे, रैमी। क्या बोलेंगे इसको, रैमी बोलेंगे। ये रैमी जो है फर्दर डिवाइडेड होती है, फर्दर ब्रांच होती है, आगे जाकर फिर से ब्रांच हो जाती है, और अब इन ब्रांचों को अपन क्या बोलते हैं, मैचुली बोलते हैं। पहले तो हो गया रैमी, और रैमी के बाद में जाकर ब्रांच होती है उसको क्या बोलेंगे, मैचुली। और मैचुली जो है प्रत्येक मैचुली के ऊपर फिर से अपन देखते हैं कि फ्लास्क रूपी स्ट्रक्चर या अपन देखते हैं बॉटल शेप स्ट्रक्चर बनती है, आउटग्रोथ बनती है, और अब इनको क्या बोलेंगे, स्टेरिक मेटा बोलते हैं। तो तीन पार्ट हो गए, रैमी, मैचुली और स्टेरिक मेटा। और अब प्रत्येक स्टेरिक मेटा के ऊपर, हर स्टेरिक मेटा के सिरे के ऊपर या टिप के ऊपर लगातार क्या बनती रहती है, बेसिपिटल क्रम में तल अभिसारी क्रम के अंदर क्या बनती रहती है, सदैव कोनिडियम बनती रहती है। यहाँ अपन देख सकते हैं, इसलिए अपन ने सबसे ऊपर की कोनिडियम को कैसा दिखाया है, सबसे बड़ी और मैच्योर दिखाया, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं अपन देखते हैं इमैच्योर कोनिडियम, यानी कि लगातार क्या होती है, कोनिडियम बनती रहती है और मैच्योर कोनिडियम को ऊपर की तरफ धकेलती रहती है। अब ये होगा कैसे, इसके अंदर कोनिडियम बनेगी कैसे, एक बार इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है तो अपन देखते हैं कि चूंकि ये मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है, तो यहाँ पर भी ये जो न्यूक्लियस है वो अल्टीमेटली किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो स्टेरिक मेटा है उन स्टेरिक मेटा के अंदर न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हर स्टेरिक मेटा का जो न्यूक्लियस है वो एक माइटोसिस करेगा जिससे दो न्यूक्लियस बनेंगे, जिसमें से एक न्यूक्लियस टिप की तरफ सिरे की तरफ जाता है और वहाँ पर एक सेप्टा से अलग हो जाता है, सेप्टा के द्वारा अलग हो जाएगा। और अब ये टिप युक्त कोशिका जो है, एक सेप्टा युक्त कोशिका जिसमें एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस युक्त कोशिका अपने आप में क्या कहलाएगी, अब कोनिडियम कहलाएगी। फिर वही स्ट्रक्चर होगा, पुनः इसमें क्या होगा, दोहरान होगा, पुनः दोहराएगी ये प्रक्रिया, क्या होगा, फिर से न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस करेगा, फिर एक न्यूक्लियस बनेगा और ऊपर की तरफ जाकर एक सेप्टा से अलग हो जाएगा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो नीचे नई बनने वाली जो सेल है वो ऊपर वाली कोशिका को क्या करेगी, धक्का देगी और ऊपर की तरफ बढ़ाएगी। तो अल्टीमेटली देखते हैं अपन, सबसे ऊपर की तरफ सबसे मैच्योर कोनिडियम होगी और सबसे नीचे की तरफ सबसे इमैच्योर कंडीशन होगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिपिटल क्रम बोलते हैं, तल अभिसारी क्रम बोलते हैं। अब कुछ समय तक तो ये आपस में जुड़ी भी रहती है, उसके बाद जैसे ही कोई हवा का झोंका आएगा या कोई फिजिकल फोर्स लगता है, ये सारी के सारी कोनिडियम एक दूसरे से पृथक होकर हवा में बिखर जाती है। और चूंकि इसी समय पर जब इसमें कोनिडियम बनती है या सेक्स रिप्रोडक्टिव स्टेज बनती है, उस समय इसके अंदर पिगमेंट भी बनते हैं। नॉर्मल अवस्था में तो क्या होता है, वेजिटेटिव स्टेज तक तो इसका माइसीलियम कैसा होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस होता है, लेकिन जिस समय इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज बनती है उस समय इसके अंदर पिगमेंट डेवलपमेंट होता है, और इसी कारण अब ये कैसी दिखाई देगी, ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई देती है। इसी कारण इसको क्या बोलेंगे, ब्लू मोल्ड बोलेंगे। और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई, जैसे आर्टिस्ट का ब्रश है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक कोनिडियम जो है, अब ये कोनिडियम क्या होगी, हवा के द्वारा बिखरेगी और फिर से जो नया सब्सट्रेट है, आधार जो है जिसपे कार्बनिक मटेरियल पड़ा है उसके ऊपर ये गिरेगी और वहाँ जाकर फिर से क्या करेगी, ये जर्मिनेट होगी और फिर से वापस क्या बनाएगी, पहले जाल बनाएगी और जाल बना के फिर से क्या करेगी, इस तरह से कोनिडियोफोर का निर्माण करेगी। तो ये सबसे कॉमन मेथड होगा इसका, अगर सूटेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, तो इस विधि के द्वारा या इस मेथड के द्वारा ये सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करता रहेगा,
रिप्रोडक्शन करता रहेगा और अपना जाल फैलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही कार्बनिक मटेरियल की मात्रा कम होगी, अनफेवरेबल कंडीशन आने लगेगी, तो अनफेवरेबल कंडीशन के बाद में अब इसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी सभी जातियों में नहीं खोजा गया है, कुछ जातियों में ही अभी तक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा गया है, और वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जो कि कोनिडियम के द्वारा होगा। नाउ नेक्स्ट कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। इस तरफ अपन इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस बताई हुई है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें अपन देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीसीज इसकी कैसी होती है, होमोथैलिक ही है। रिसेंटली इसकी कुछ स्पीसीज कैसी खोजी गई है, हेट्रोथैलिक स्पीसीज भी खोजी गई है। तो यहाँ जो अपन ने डायग्राम बना रखे हैं वो इस जो पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम है उसके डायग्राम बना रखे हैं उस स्पीसीज़ का, यानी कि इसकी अलग अलग स्पीसीज में अपन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। जैसे बात करें पेनिसिलियम बेसिलो स्पर्मम जो है उसके अंदर आइसोगेमस प्रकार का मिलता है, इसी तरह से पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम जो है उसमें ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से पेनिसिलियम ब्रेफिलीडीएनम जो स्पीसीज है उस स्पीसीज के अंदर अपन देखते हैं सोमेटोगेमी प्रकार का क्या मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। इसी तरह से अभी अपन ने बात की इसकी कुछ स्पीसीज जैसे पेनिसिलियम ल्यूटियम जो है रिसेंटली खोजी गई वो कैसी है, हेट्रोथैलिक प्रकार की स्पीसीज है। तो यहाँ अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसमें, पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम की लाइफ साइकिल का या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसका सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है उसी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ बात करते हैं इसके सेक्स ऑर्गन्स की, कौन कौन से इसके अंदर सेक्स ऑर्गन है। अभी अपन ने बताया कि पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम में किस प्रकार का लाइफ साइकिल मिलता है, ऊगेमस प्रकार का, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, मेल स्ट्रक्चर तो बोलेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल स्ट्रक्चर को चूंकि ये एस्कोमाइकोटिना के सदस्य है इसलिए फीमेल स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम बोलते हैं, जिसके अंदर अल्टीमेटली किसका निर्माण होगा, एस्कस का निर्माण होगा। तो पहले देखते हैं अपन एस्कोगोनियम क्या है, एस्कोगोनियम कैसे डेवलप होगी। अपन देखते हैं कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी या भोजन कम होने लगेगा तब अपन देखते हैं कि इसके माइसिली में कवक जाल की कोई एक या कुछ कोशिकाएं कैसी होती है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगी और बिल्कुल एक हॉलो स्ट्रक्चर जिसमें सेप्टा नहीं है अभी उस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें कई सारे केंद्रक होंगे, और इस यंग स्टेज के जो माइसिलियम कवक तंतु है इस कवक तंतु को क्या बोलते हैं अपन, एस्कोगोनियम बोलते हैं। यहाँ अपन ने इसकी डेवलपमेंटल स्टेज दिखा रखी है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि धीरे धीरे ये मैच्योर होने लगती है और अल्टीमेटली अपन देखते हैं कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देती है, और इस सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कई सारे केंद्रक है लेकिन सेप्टा अभी तक नहीं है, इसके अंदर सेप्टा अभी डेवलप नहीं हुआ है, केवल बेस की तरफ जिस कोशिका से ये डेवलप हुई है वहीं पर अपन को सेप्टा दिखाई देते हैं और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन दिखाई देती है। इस मैच्योर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को एस्कोगोनियम बोलेंगे। नाउ चूंकि होमोथैलिक स्पीसीज है पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम तो इसी जाल से, इसी कवक जाल से अपन देखते हैं कि इसके पास वाले तंतु से ही क्या डेवलप होगी, एंथ्रीडियम डेवलप होती है। एंथ्रीडियम इसके बाद डेवलप होती है और वो देखते हैं कि एंथ्रीडियम इसके चारों तरफ एक सर्कुलर आकार में या स्पाइरल फॉर्म में इसके चारों तरफ लिपट दी जाती है। एंथ्रीडियम की बात करें तो एंथ्रीडियम का भी सबसे ऊपर का जो सिरा होता है वो कैसा होता है, फूला हुआ सिरा होता है, और बाकी के सिरे से वो कैसा होता है, एक सेप्टा के द्वारा पृथक होता है, और ये जो है ये भी मैच्योर होकर अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, इसके टिप की तरफ या नेक्स्ट स्टेज में अपन देख सकते हैं इसके टिप तक पहुँच जाती है एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम दोनों। जब दोनों मैच्योर हो जाते हैं तो दोनों के जो टिप है उन टिप से दोनों की जो भित्ति है सेल वॉल है वो सेल वॉल क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूज होकर अपन देखते हैं कि दोनों का इसका जो प्रोटोप्लाज्म है एंथ्रीडियम का वो प्रोटोप्लाज्म किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, एस्कोगोनियम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है।
इनिशियली अपन देखते हैं कि जब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं 1907 के अंदर डेंगियार्ड जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि केवल प्रोटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं होते हैं। डेंगियार्ड के अकॉर्डिंग 1907 के अंदर बताया उन्होंने कि केवल प्रोटोप्लास्ट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, लेकिन न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं होते हैं। नाउ बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेज पे, जब दोनों के अंदर फ्यूजन हो गया, अब इस स्टेज के अंदर अगर न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं होते हैं तो एस्कोगोनियम के स्वयं के जो केंद्रक होते हैं वो दो दो के जोड़ों में जम जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब अपन देखते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार से अपन ने पता किया है 1937 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तब अपन को पता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफर होते हैं। नाउ फर्स्ट तो क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया, यानी कि दोनों का जीवद्रव्य मिक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेज के अंदर अपन देखते हैं कि जो एक केंद्रक किसका मेल का और एक केंद्रक फीमेल का, ये दोनों कैसे रहते हैं, जोड़े के अंदर रहते हैं। अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, जोड़े में ही रहते हैं, और इस जोड़े वाले न्यूक्लियस को अपन क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक अवस्था बोलते हैं या डाइकैरियन बोलेंगे, ठीक है। ये जो डाइकैरियन है, जैसे ही डाइकैरियन बनता है अब इसके अंदर कई सारे माइटोसिस होंगे जिसकी वजह से कई सारे डाइकैरियन बन जाते हैं, और प्रत्येक डाइकैरियन जो है या द्विकेंद्रक की अवस्था जो है उनके बीच में सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, सेप्टा बन जाते हैं। अभी तक इसके अंदर सेप्टा नहीं थे, लेकिन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद में जब डाइकैरियोटिक अवस्था आती है तो अब क्या हो गया, इसके अंदर सेप्टा का निर्माण हो जाएगा, सेप्टा बन जाएंगे। और अब ये जो एस्कोगोनियम है, इस एस्कोगोनियम कैसे दिखाई देगी अपन को, सेप्टेट दिखाई देगी, और प्रत्येक कोशिका के अंदर अपन को दो दो केंद्रक साथ साथ दिखाई देंगे जिसको अपन डाइकैरियोटिक अवस्था बोलते हैं। और इस समय तक अब क्या हो जाएगी, एंथीडियम जो है वो नष्ट हो जाएगी, यानी कि सूख कर गिर जाएंगी। इसी समय इसमें फिर से चेंजेज होते हैं, जो इसका आसपास के जो फिलामेंट होते हैं उस फिलामेंट से कुछ बंधी तंतु जो होते हैं स्टराइल फिलामेंट जो है उसको चारों तरफ से घेरने लगते हैं। ये जो एस्कोगोनियम है अब इसको क्या करेंगे, घेरने लगेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद में अब ये किसका निर्माण करेंगे, एस्कोकार्प का निर्माण करेंगे। एस्कोकार्प कैसे होगी, एक बार बंदी या स्टराइल तंतु इसको चारों तरफ से घेर कर क्या बनाएंगे, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसकी सबसे आउटर लेयर को अपन क्या बोलते हैं, पेरिडियम बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ ये एस्कोगोनियम है। अब जो एस्कोगोनियम की डाइकैरियोटिक अवस्था, यानी प्रत्येक कोशिका जिसमें दो दो केंद्रक हैं, इसमें से फिर से अपन देखते हैं कि कुछ साइड के तंतु निकलेंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियल फिलामेंट बोलेंगे, एस्कोगोनियल फिलामेंट। और इस फिलामेंट के अंदर ये डाइकैरियोटिक जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और अब इसकी जो सबसे टिप वाली कोशिका है, वो सबसे टिप वाली कोशिका, हर फिलामेंट की सबसे टिप वाली कोशिका क्या कहलाएगी, एस्कस मदर सेल कहलाएगी। इस स्टेज में आने के बाद में दोनों केंद्रकों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, और केंद्र कैसा हो जाएगा, डिप्लोइड हो जाएगा। और ये जो डिप्लोइड केंद्रक है वो इस टर्मिनल कोशिका यानी कि एस्कस मदर सेल जो है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, तो यहाँ तक तो वापस देख लेते हैं अपन एक बार। ये तो कौन सी है, एस्कोगोनियम है, इसके साथ में अपन देखते हैं कि इसी के पास से तंतु से क्या डेवलप होगी, एंथीडियम डेवलप होगी। देन नेक्स्ट स्टेज के अंदर जब दोनों डेवलप हो जाते हैं तो दोनों में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर अपन देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर आया। देन यहाँ पर डाइकैरियोटिक अवस्था बनेगी। इस समय तक अपन देखते हैं कि इसके आसपास के जो तंतु हैं माइसिलियम जो है उससे कुछ और तंतु, बंधे तंतु या स्टराइल तंतु इस पूरी एस्कोगोनियम को चारों तरफ से घेर कर एक बंद स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टोथीसियम बोलेंगे, और जिसकी सबसे आउटर परत को क्या बोलते हैं, पेरिडियम बोलते हैं। अब जो डाइकैरियोटिक अवस्था है उसमें अपन देखते हैं कि कई सारे डिवीजन होकर ये सेलुलर स्टेज के अंदर आ जाती है, यानी कि बीच में सेप्टा बन जाते हैं। अभी तक इसमें सेप्टा नहीं थे लेकिन अब क्या बन जाएंगे, इसके अंदर सेप्टा बन जाएंगे, और फिर हर सेल से एक फिर से फिलामेंट निकलेगा, और ये फिलामेंट क्या कहलाएंगे, एस्कोगोनियल फिलामेंट कहलाएंगे, और ये जो डाइकैरियन है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। देन इस एस्कोगोनियल फिलामेंट के टिप के ऊपर एक कोशिका बनेगी, और इस स्टेज के अंदर ये डाइकोरियन जो है इन दोनों के अंदर फ्यूजन होगा केंद्रकों के अंदर, और केंद्रक कैसे हो जाएंगे, डिप्लोइड केंद्रक बन जाएंगे, द्विगुणित केंद्रक बन जाएंगे। अब ये जो द्विगुणित केंद्रक है ये किस में ट्रांसफर होगा,
ऊपर वाली कोशिका यानी टिप वाली कोशिका के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और अब इस टिप वाली कोशिका को या अपेक्स कोशिका को क्या बोलेंगे? एस्कस मदर सेल बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बन गई। अब जो एस्कस मदर सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक अर्धसूत्री विभाजन और एक समसूत्री विभाजन यानी एक मियोसिस और एक माइटोसिस होगा, और इसकी वजह से हर एस्कस मदर सेल के अंदर किसका निर्माण होगा? 8 न्यूक्लियस का निर्माण होगा। टोटल 8 न्यूक्लियस इसके अंदर बनेंगे। और ये जो 8 न्यूक्लियस है, अब इन 8 न्यूक्लियस युक्त स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? एस्कस बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? एस्कस बोलेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस है इनके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी मात्रा में जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म में इकट्ठा होगा, और फिर प्रत्येक न्यूक्लियस जो है हर न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस्कोस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये एस्कोस्पोर बन जाएंगे तो ये एस्कस की भित्ति फट जाएगी और सारे एस्कोस्पोर जो है वो इस क्लिस्टोथीसियम के अंदर बिखर जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या है? इस क्लिस्टोथीसियम के अंदर बंद है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट माध्यम है तरल फ्लूड है, उस फ्लूड के अंदर ये तैरते रहते हैं। और ये जो क्लिस्टोथीसियम है अब ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर क्या रहेगी? पड़ी रहेगी। जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, इस क्लिस्टोथीसियम के ऊपर की जो परत है पेरिडियम वो नष्ट होगी और सारे एस्कोस्पोर जो हैं वो एस्कोस्पोर हवा में मुक्त हो जाएंगे। और अब ये एस्कोस्पोर वापस क्या करेंगे? जर्मिनेट कर अंकुरित कर फिर से नया कवक जाल बनाएंगे। तो ये अपन ने देखी किसकी लाइफ साइकिल? पेनिसिलियम की लाइफ साइकिल, जो लगभग किसके समान थी? एस्परजिलस के समान ही थी। तो ये यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि आपकी जो पहली यूनिट है जोधपुर विश्वविद्यालय के जो माइकोलॉजी पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसकी जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट पहली यूनिट अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई कवक लेंगे और उसकी लाइफ साइकिल को अपन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। अपन ने डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, साथ साथ में इसकी फंडामेंटल भी क्लियर किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।